हेलो दोस्तों, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनीस किचन पर। आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरी पोहे का चूड़ा, तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें गर्म कर लिया है तेल। तेल को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर हम 1 किलो पोहे का चूड़ा बना रहे हैं, इसलिए मैंने 1 किलो पोहा लिया है। देखिए, पोहे को मैं गर्म तेल में डाल रही हूँ। फ्लेम को हमें हाई रखना है, लो नहीं रखना है। थोड़ा सा ब्राउन होने तक हमें पोहा को फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये मैंने कर लिया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसे क्रॉप किया है। देखो, मैंने 1 किलो सारा पोहा फ्राई कर लिया है। अब धीरे धीरे हम सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं, इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे। मैंने इसे लो फ्लेम पर तला है ताकि ये जले ना। तो हमें धीरे धीरे करते हुए इसे सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे। देखिए, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। और अब लूँगी मैं मूंगफली। तो मैंने 1/2 किलो मूंगफली ले ली है यहाँ पर। देखिए, इसे भी हमें अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, जलाना नहीं है। देखिए, इसे भी मैं निकाल लूँगी। देखिए, ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें सूखा खोपरा तल लेंगे। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, इसे भी धीरे धीरे करते हुए लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये भी हो चुका है। जलाना नहीं है हमें, फ्राई करना है सिर्फ ब्राउन होने तक। देखिए कैसे ब्राउन हो चुका है। अब हम दलिया की दाल लेंगे, इसे भी हम ब्राउन तल लेंगे। देखिए, ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए, ये भी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी धीरे धीरे करके। देखिए, ये भी हो चुकी है। अब मैंने पोहा लिया है फ्राई किया हुआ, उसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, और ये है जीरा और बड़ी शेप की पाउडर जो मैंने भूनकर पीस ली थी। ये है लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने पोहा पूरा नहीं लिया है क्योंकि मसाला नीचे रह जाता है, इसलिए मैंने आधे पोहे लिए हैं। अब ये मैंने शेव बना कर रखी हुई थी, बारीक शेव बेसन की, उसे मिक्स कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने फ्राई कर ली थी, मूंगफली, दलिया की दाल, काजू और खोपरा, इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे पोहे मैंने तले हुए साइड में रखे हुए हैं, पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर आधे पोहे डालकर उसे मैं फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए, मैंने आधे पोहे डालकर इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमारा स्वादिष्ट और कुरकुरी पोहे का चूड़ा हो चुका है तैयार। खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए, एकदम स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।